जहाँ तक क्रेडिट कार्ड्स की बात है, हम लोग एक सिटी बैंक का कार्ड यूज़ करते हैं ट्रैवल के लिए, इट्स कॉल्ड सिटी प्रीमियम वाइज कार्ड। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा यह है कि इन लोग के बहुत सारे, एक तो टाई अप्स हैं एयरपोर्ट्स पे हो गया या एयरलाइंस के माइल्स पे हो गया, लेकिन हम लोग माइल्स तो ज़्यादा उसके यूज़ नहीं करते, बट हम लोग उसके पॉइंट्स आप आराम से बहुत सारी बुकिंग्स में रिडीम कर सकते हैं। जैसे मेक माई ट्रिप में आप जब कोई भी होटल या कुछ भी आप स्पेंड करते हैं तो उसमें काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है, और आप उस क्रेडिट कार्ड से आप कहीं पे भी कुछ भी स्पेंड करते हैं तो आपके पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं। तो आप मान लीजिए अगर आप महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार ट्रैवल करते हैं तो आप सारा अपना जितना भी बाकी घर के खर्चे हैं या आपने कुछ भी और स्पेंड किया है, कोई बिल पे किए हैं, वो सब आप अपना ट्रैवल में एज अ पॉइंट ट्रैवल या अपने नेक्स्ट हॉलीडे में आप पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जैसे अब मार्च से कहीं घूमने नहीं गए थे, लेकिन आप घर पे भी रहते हैं तो आप घर के सारे खर्चे ही करते हैं। अगर आप उस कार्ड को रेगुलरली यूज़ करते रहें तो हमारे पास अभी लगभग अराउंड 12,000 पॉइंट्स कलेक्ट हो गए थे, जिसमें हमें 5,000 डिस्काउंट मिल गया इस बुकिंग पे। तो ये सब मिला के हमें पूरा एक्सपीरियंस हार्डली 5-5.5 हज़ार में हो गया, जो कि बहुत ही एक अच्छा प्राइस है एक 5-स्टार डीलक्स रिजॉर्ट में रहने के लिए। विद ऑल मील्स इंक्लूडेड।